सबसे पहले अलीगढ़ जो है वो एक बायोपिक है एक मराठी प्रोफेसर की, और वो नागपुर में रहते थे और कैसे वो यूपी की एक शहर अलीगढ़ में गए और वहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मराठी सिखाते थे। उसके बाद उनको एक गे राइट्स में पकड़ लिया गया और कैसे उनके साथ क्या क्या हादसा हुआ, सिस्टम ने उनके साथ क्या किया, यूनिवर्सिटी ने उनके साथ क्या किया और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे एक्सेप्ट किया, वो कहानी है जिसको मनोज वाजपेयी ने बहुत ही कमाल तरीके से परफॉर्म किया है। और मुझे लगता है कोई भी हिंदुस्तान में एक्टर एक गे प्रोफेसर का रोल करने के लिए तैयार नहीं होता। मनोज वाजपेयी ने तुरंत हाँ कह दी और पिंजर, शूल, सत्या जैसी फिल्मों में काम करने के बाद बहुत चैलेंजिंग था उनके लिए ये काम करना और उन्होंने किया और मुझे लगता है मनोज वाजपेयी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है ये। 26 फरवरी को ये रिलीज होगी अलीगढ़, तब सब लोग देखेंगे और मुझे लगता है मनोज वाजपेयी सबसे ज़्यादा वाहवाही उठाने वाले हैं इस फिल्म से और उनको कई पुरस्कार भी मिलेंगे इस फिल्म के लिए। लगता है मुझे प्रोजेक्ट ने नहीं, मुझे एक इंसान है उन्होंने नाम दिया, एक अलग पहचान दी, वो है संजय लीला भंसाली। मैं किसी प्रोजेक्ट को नहीं बोलूँगा क्योंकि एक इंसान ही इंसान को सांस या उसकी उम्मीद को ज़िंदा रखता है और वो है संजय लीला भंसाली। क्योंकि आज से कई साल पहले मैं उनको मिला और उनको बोला कि मुझे आपकी कंपनी में काम करना है और उन्होंने कहा कि तुमको असिस्ट करना है मुझे। मैंने बोला नहीं, मुझे आपकी कंपनी का सीईओ बनना है। उन्होंने बिना मेरे एक्सपीरियंस को देखे, बिना सिर्फ उन्होंने एक ही चीज़ पे गौर किया कि मेरा सिनेमा का पैशन बहुत कमाल है, मुझे संगीत का बहुत नॉलेज है, मुझे डांस का, फिल्मों का बहुत अच्छा, मतलब मैं पैशनेट हूँ इन चीज़ों को लेकर। उन्होंने उसको देखते हुए मुझे सीईओ रख लिया अपने कंपनी में और फिर हमने काफ़ी फिल्में बनाई, काफ़ी सीरियल किए और उनकी वजह से मैं बाहर आया बाजीराव के बाद और मैंने अलीगढ़ प्रोड्यूस की। अब सरबजीत कर रहा हूँ। उनके बारे में जाने, वैसे सरबजीत के स्टोरी में ऐसी क्या खासियत है जिससे लोग इंस्पायर हो गए? भाई क्यों नहीं, और पंजाब में एक गांव है विक्की पिंड, वहाँ पे छोटी सी एक औरत दलबीर कौर, वो पूरी दो देशों को हिला देती है अपने भाई को छुड़ाने के लिए। तो एक फैमिली से ऐसा नाता, ऐसा प्यार और दो देशों के सिस्टम से अकेली औरत लड़ रही है, वो तो जीरो टू हीरो की कहानी है कि एक बहन अपने भाई के लिए कहाँ तक चली जाती है। तो एक रिश्तों की वैल्यू है, एक इमोशंस की वैल्यू है, तो उस चीज़ को उमंग दर्शाने का कोशिश कर रहा है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अच्छी फिल्म बना। अलीगढ़ और सरबजीत के बाद मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है बॉम्बे मुंबई, जो इसी साल शुरू होगी। फिर साहेब है, बाला साहेब ठाकरे के ऊपर बायोपिक है, जो राहुल ठाकरे डायरेक्ट कर रहे हैं और उमंग कुमार और स्मिता ठाकरे जी प्रोड्यूस कर रहे हैं मेरे साथ। तो वो एक चैलेंजिंग फिल्म है, देखिए कब हम खरे उतरते हैं कि नहीं।